हाँ मैं जो आपको दवाइयाँ लिखी हैं आप रेगुलर ले रही हैं ना, उनको आराम लग रहा है? ऐसा करिए कि आप क्लिनिक आ जाइए, मैं आपके कुछ टेस्ट कर देती हूँ। हाँ गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग, ठीक है मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। हाँ जी बोलिए, कैसे आना हुआ? डॉक्टर मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी मेरी प्रॉब्लम कोई खास नहीं है डॉक्टर। फिर भी बताइए कैसे आना हुआ? डॉक्टर मेरी अभी नई नई शादी हुई। वेरी गुड वेरी गुड। इससे पहले मुझे सेक्स का कोई अनुभव नहीं था और मैंने पहली बार अपनी वाइफ के साथ सेक्स किया है। वेरी गुड, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर मेरे मन में एक शंका सी उठ रही है और उसी की समस्या के समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं तो यहाँ पर आप सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बैठी हूँ। बताइए क्या शंका है आपके मन में? डॉक्टर मैं जब भी अपनी वाइफ के साथ सेक्स करता हूँ और मेरी वाइफ जब जोश में आती है तो पूरी तरीके से मुझे दबोचने लगती है, नाखून गड़ा देती है, काट लेती है और उसी तरीके से उसकी योनि अंदर से मेरे लिंग को भींज लेती है। ऐसा लगता है कि उसकी योनि मेरे लिंग को जोर जोर से भींच रही है। ऐसा हर बार होता है डॉक्टर। जब भी मैं उसके साथ सेक्स करता हूँ तो उसकी योनि मेरे लिंग को हर बार भींचती है। ऐसा करने से मुझे आनंद भी आता है। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर ये सब नॉर्मली सबके साथ होता है या सिर्फ ऐसा मेरे साथ ही होता है? आपने तो ये बेकार का बहम पाल रखा है। आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको सेक्स का पहली बार अनुभव हुआ है। अगर आपने कभी पहले किसी लड़की के साथ सेक्स किया होता तो आपको पता होता कि ऐसा होता ही है। और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। जी बताइए डॉक्टर। जब स्त्री और पुरुष कामोत्तेजना के शिखर की ओर बढ़ते हैं तो दोनों ही आनंद के सागर में डूब जाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में औरत आदमी को कस के अपनी बाहों में भींच लेती है और वो दांत गड़ाना या नाखून गड़ा देना उसको आनंद की अनुभूति कराता है। ऐसी हालत में जब औरत डिस्चार्ज होती है तो उसकी योनि पंप की तरह सिकुड़ती और खुलती है। ऐसे में योनि लिंग पर दबाव डालती है। ऐसा हर औरत के साथ होता है। इसमें घबराने और परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि आपकी वाइफ वर्जिन थी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।